सुभान अल्लाह यार, अजीब वल्लाह। कहते हैं कि वो खातून, कहते हैं जब वो मखसला में आई तो खवातीन कहती हैं कि शेख, इसका डिस्क्रिप्शन कह देती हैं कि शेख इनका एक हाथ अपने वेस्ट पे है, एक हाथ सर पे है और एक पाँव बिल्कुल सीधा हुआ है, यानी एक पाँव नॉर्मल है, एक पाँव बिल्कुल सीधा हुआ है ऐसे करके। तो शेख ने कहा यू नो द रूलिंग्स कि आप इनको गर्म पानी में डिप करो या गर्म पानी लगाओ और सीधा करो, बस ज़्यादा जोर ना लगाना क्योंकि हड्डी ना टूट जाए। वो कहती हैं कि शेख आप तो गर्म टॉवल से रब करने की बात कर रहे हैं, मैंने तो इनको ल्यूक वार्म वाटर में मैंने इनको डिप भी दिया इनके उसको, और मैंने हर ट्राई किया इनकी बॉडी को सीधा करने की, बट ये नहीं हो रही सीधा। मैंने कहा कॉल हर फैमिली देन। तो फैमिली ने कहा कि ये तो इनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी जब हम लेके आए हैं, और उसने भी जस्टिफाई किया कि बॉडी स्ट्रेट थी, ये हिल कैसे गई, यानी वो ऐसे जो था ना कैसे हो गई। मल्टीपल ट्राई की उनको, वो नहीं हुई। खैर उनने उसी तरह से उनको गुसल दिया, उसी तरह से उनको कफन दिया और उसी तरह से दफना दिया उनको। बट वो उनके रिलेटिव से अगेन वो अपना उन्होंने प्रैक्टिस की और कहा कि ये ऐसे, ये क्यों ऐसे हुई जब शी वाज अ डेड बॉडी, शी वाज स्ट्रेट एंड व्हेन मक्सला में आई तो ये बॉडी ऐसी हो गई, और ऐसे उनको उन्होंने दफन किया। कहते हैं कि उनकी माँ कहती हैं कि शी यूज टू लिसन म्यूजिक लाइक क्रेजी। कहती हैं अपने छोटे भाई को ना पैसे दे के भेजती हैं कि तुम अपने लिए भी कुछ ले लेना, और जो कॉर्नर शॉप है ना वो सीडीज और कैसेट्स भी लेके आना। एंड शी यूज़ टू वेयर अ हेडफोन एंड शी यूज़ टू लिसन टू म्यूजिक डे एंड नाइट। म्यूजिक एडिक्ट थी वो, बिंज लिसनिंग टू म्यूजिक। हाउ शी डाइड, कहते हम शादी पे गए हुए थे और जनरली म्यूजिक चल रहा था, पीपल वर डांसिंग, तो इसका जो डांस था सबसे अच्छा था, तो हमने सबसे कहा कि तुम आके स्टेज पे डांस करो। So she started dancing on the stage. और कहते हैं कि जब उन्होंने अपना हाथ यहाँ रखा और सर पे ऐसे रखा और अपना टांग सीधी करके उस पर रोटेट किया, अपनी टांग के ऊपर एक जो सर्कल लिया, इनको चक्कर आया और वो गिरी और इनका सर जोर से लगा, एंड शी डाइड देयर। हमने पानी फेंके, हमने इनको हॉस्पिटल ले गए, शी डाइड इन द सेम मैनर। बट मरने के बाद इनकी बॉडी हमने स्ट्रेट कर दी थी, एंड सुभान अल्लाह हुआ क्या है कि उनकी दोबारा बॉडी ऐसी हो गई है। She never used to stop listening to music. ये जो सोच है ना कि हम अल्लाह ताला गफूर रहीम है, हम ज़िंदगी जैसी भी गुजार लेंगे, आखिर में जाके तौबा कर लेंगे और फिर हमारा हुस्न खात्मा हो जाएगा और हम अल्लाह ताला हमें आखिर में जाके माफ़ कर देगा। सो ऐसा नहीं है कि जो लोग हंसते मुस्कुराते इस दुनिया से जाते हैं वो गुनाह नहीं करते। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे शायद जो म्यूज़िक भी सुनते होंगे, अल्लाह से तौबा भी करते होंगे, फिर शायद वापस चले जाते होंगे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ बढ़ते होंगे। और अगर इसी हाल में उनको मौत आ जाती है तो अल्लाह सुभान व तआला इंसान का हार्ट देखता है। अगर तो आपका कल्ब सलीम है ना, एक्सेप्टिंग हार्ट है, एक्नॉलेजिंग हार्ट है, हम्बल हार्ट है, ठीक है, एक्नॉलेज करने वाला हार्ट है कि या अल्लाह ये तेरी नाफरमानी मुझसे हो रही है, ठीक है, बागी नहीं हो जा, बागी नहीं है, ठीक है, रिबेलियस नहीं है, तो अल्लाह ताला का मामला है। देखो ये जो खात्मा है ना, अच्छा खात्मा या बुरा खात्मा, ये अल्लाह की अता है। यस, ये आपकी चॉइस नहीं है, और अल्लाह की अता है बेस्ड ऑन हाउ यू स्पेंड दिस लाइफ।